मेरा नाम अमन सिंह है और मैंने अभी 2019 में जामिया से सोशल वर्क किया है। सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है, जो बहुत सारे लोग देश भर से, जितने भी मेरे दोस्त हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, वो और बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों, तो इसमें तीन चार चीज़ें हैं। नंबर वन, जब किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रीडिंग रूम में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पुलिस को यह हक कौन देता है कि वो यूनिवर्सिटी में घुस के, रीडिंग रूम में घुस के उन बच्चों को मारे, उन बच्चों की आँखें खोले। पुलिस कहती है कि कुछ बाहर के लोग भी थे, उन्होंने उनका पीछा किया, वो रीडिंग रूम में घुस गए और उन्होंने सबको मार दिया। तो ये तो बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह है, जिसको कि बहुत सारे लोग आँख बंद करके यकीन कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम बिल के भी लॉजिकल एंगल को देखें, असम में अभी हमने जब इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो उसमें 1200 करोड़ का खर्चा हुआ। असम बीइंग अ वेरी स्मॉल स्टेट, जिसका कि जोग्राफिकल एरिया सिर्फ 2.4% है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी कंट्री में जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो टैक्स पेयर का कितना पैसा जाएगा और किस तरीके से ध्यान बाकी मुद्दों से हट के, जो हमारी बाकी ज़रूरतें हैं वो पूरी ना होके सारी चीज़ें इसमें लगेगी। तो मेरे ख्याल से ये कुछ डीमोनेटाइजेशन के जैसा है। उस वक्त भी नोट बदल दिए गए लेकिन हमारे ATM मशीन्स रेडी नहीं थे, उसी तरीके से ये बिल ले आया गया क्योंकि उनके पास नंबर्स थे, तो इस बिल को पास करा लिया गया। लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसके लिए पैसा क्या आएगा, उससे क्या बैकलैश होगा, लोगों पे क्या असर पड़ेगा, जो मजदूर पूरी ज़िंदगी ठेला चलाता था वो कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स लाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा गया है। एक अग्रेसिव तरीका दिखा के, बिना कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलर वर्ड को हटाए, एक बहुत ही धीरे धीरे एक एथनिक क्लेंजिंग करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही दुखद है।